हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूरो ट्रक सिम्युलेटर 2 के इस एपिसोड में। आज हम एक नया ट्रेलर खरीदेंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्रेलर होने वाला है वो, क्योंकि मैंने एक्चुअली बहुत सारे गराजेस खरीद लिए हैं। तो अगर हमने गराज ले लिए तो मैं सोच रहा था चलो एक बार इस ट्रेलर को छोड़ते हैं, फिर ट्रक को रिपेयर करवाते हैं एंड देखते हैं हमारे लिए यहाँ पर क्या अवेलेबल होगा। रिपेयर भी करवाना है देखो, फिर ये जो क्वेश्चन मार्क्स हैं इनको भी डिस्कवर कर लेंगे उसी बहाने। और सारे जो ट्रेलर के व्यूज़ होंगे ना, मैं सोच रहा हूँ रनर वाले कर देता हूँ। मुझे एक कमेंट भी आया था, अभी मैं आपको शाउट आउट भी दूंगा। फ्यूल हमारे पास काफ़ी कम है, इंडिकेटर तो शो कर रहा है, लेकिन ऑब्वियसली एक्स्ट्रा पैसे दे के हम बीच में भरवा लेंगे अनलेस हमारे सॉरी हमारी गराज तो लेफ्ट में थी। ओके, मैंने एक्चुअली जो रिपेयर शॉप है उसको अपनी गराज समझा। अंदर आ जाते हैं वापस, तो एक कट ही बन गया। उसी बहाने हमारे रिक्रूटमेंट एजेंसी डिस्कवर हो गई। टाइम थोड़ा वेस्ट तो ज़रूर हुआ होगा, लेकिन कोई बात नहीं, सारा ऐसा करते हैं, डिस्कवर करते करते जाते हैं। कौन सा ट्रक डीलर होगा यहाँ पे? गैस करो जल्दी गैस करो। लेफ्ट में है हमारे ट्रक डीलर, दिख गया आपको, दिख गया होगा। मर्सिडीज बेंज का ट्रक डीलर है। लेकिन हम अभी वॉल्वो में काफी खुश हैं, मैं तो खुश हूँ। आप लोग बताओ, आप लोगों को वॉल्वो का ट्रक पसंद आया था या मर्सिडीज का? जल्दी इंडिकेटर्स दे दिए। इस ट्रेलर के साथ ड्रिफ्टिंग बहुत हुई है हमारी। डैमेज भी हो गए, डैमेज ज्यादा हुआ है। खैर इसको अपग्रेड कैसे करते हैं? चलो एक बार इस हमारी छोटी सी गैराज को अपग्रेड करके देखते हैं। कहाँ है गराज मैनेजर? कहाँ पे है? वैसे अंदर जाके भी कर ही सकते हैं। चलो अंदर जाते हैं। पेट्रोल पंप नहीं है यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली, क्या पता अपग्रेड करने के बाद हमें स्पेस मिल जाए। एंटर से मैनेज कर पाएंगे हम। ये हमारी छोटी सी गराज है, इसको अपग्रेड पे लगाते हैं। ओके, अपग्रेड हो जाएगी। अब थोड़ी एनिमेशन शो करेगी, हमें एनिमेशन से कोई लेना देना है नहीं। वैसे बड़ी होगी बहुत गराज, तो बहुत बढ़िया। आई थिंक ये हाँ, इससे बड़े गराज नहीं होती है। इस ट्रेलर को कैसे यहाँ पे शिफ्ट करवा देते हैं? हमारा कंटेनर ट्रेलर है ना, तो इसको हम करते हैं रिलोकेट। नहीं कर सकते क्या? डिसमिस कर देते हैं। हाँ, ट्रेलर हैज़ बीन सक्सेसफुली पार्क्ड इन द गराज। कौन से गराज में है? इसमें डाल दो, हम यहीं पर है ना। हाँ, Do you really want to relocate the container carrier to your garage in Shizhen? जो भी है, yes कर दिया। इसको हम किसी और को नहीं दे सकते ना शायद? अभी भी मैं नहीं समझ पाया हूँ कि इसको कैसे किसी और को दें। Unfortunately समझ नहीं आ रहा मुझे। ड्राइवर मैनेजर पे भी मैंने एक बार जाके देखा, जो ट्रक है कोई भी उठा लिया। फिर उसमें यहाँ पे मैंने ऑप्शन कुछ आ ही नहीं रहा कि ट्रेलर डाल दो। एक्चुअली सारे जॉब पे लगता है इसलिए। ये तो साहब नहीं है हमारे, बॉब भैया तो नहीं है अभी, लेकिन फिर भी इनको ट्रेलर नहीं दे पा रहा मैं। ये देखो, रिलोकेट कर दें क्या इसको? अगर हम इसको यहाँ रिलोकेट कर दें बॉब को, क्या होता है? ठीक है, अब इसका ट्रक भी तो रिलोकेट करना पड़ेगा। तो इसका ट्रक कौन सा है, कहाँ पे था? मुझे ये भी याद नहीं है। कोई बात नहीं, ट्रक मैनेजर पे जाते हैं। वॉल्वो का कोई ट्रक था ये वाला, इसको रिलोकेट करके डाल देते हैं इधर। डाल दिया। अब एक बार ट्रेलर मैनेजर पे जाते हैं। ये वाला ट्रेलर था, अभी भी असाइन नहीं कर पा रहा क्या? मैं कंफ्यूजिंग हो गया। ट्रक मैनेजर पे वापस गया मैं। ये हमारा वॉल्वो का ट्रक था, बॉब पे गया। यहाँ पे भी नहीं दे रहा, ऑप्शन ही नहीं दे रहा ये। गॉड नोज क्या करना पड़ेगा, मेरे को समझ नहीं आ रहा अभी। डिसमिस नहीं कर सकते इसको, रिलोकेट करने का फ़ायदा नहीं है। मैंने पहले किसी को ट्रेलर असाइन तो करा था,
लेकिन कैसे करा ये अभी भी नहीं समझ आ रहा। ट्रेलर मैनेजर पे वापस जाते हैं, देखो कोई ऑप्शन दिख रहा है आपको? रिलोकेट करने से तो कोई फायदा नहीं है, यहाँ क्या कह रहा है? अच्छा, ऑल योर परचेज ट्रेलर्स जो हम परचेज करते हैं लिस्टेड जो होते हैं वो यहाँ मैनेज कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन लिखा जो ड्राइवर्स है ना उनको ऑटोमेटिकली असाइन कर देते हैं ट्रेलर जो हमारे गराज में होगा। ओ सेट अ ट्रेलर यूसेज टू प्राइवेट टू रिस्ट्रिक्ट यूसेज ओनली टू योर सेल्फ। अगर अगर प्राइवेट पे रखेंगे तो सिर्फ हम चला पाएंगे। ये मैंने नई चीज़ सीख ली। तो चलो अब ये हमने सेम गराज में छोड़ दिया, तो ये जो रेफ्रिजरेटेड वाला मूविंग फ्लो वाला ट्रेलर होगा वो यही बंदा चलाएगा। ये तो बहुत बढ़िया हो गया। चलो यहाँ से एग्जिट ले लेते हैं और देखते हैं क्या पेट्रोल। अरे वाह, फ्यूल स्टेशन है यहाँ पे भी, ये देखो लेफ्ट में दिख रहा होगा आपको, अपना पर्सनल फ्यूल स्टेशन ये होती है ना मेरी। एक यूरो का पड़ेगा यहाँ पे सिर्फ। इंजन फुल कर लेते हैं, इंजन कह रहा हूँ ट्रक में पेट्रोल फुल कर लेते हैं, तो बहुत बढ़िया चीज़ होगी। हो गया फुल टैंक, 685 लीटर्स भरा है 687 यूरोस में, ये तो बहुत बढ़िया हो गया रे। चलो पैसे भी कट गए, कोई बात बहुत पैसा है अभी तो। हाँ, हमने कहाँ जाना है, ट्रक को रिपेयर कर लेते हैं। थोड़ा ठुक ठाक दिया मैंने, 1% डैमेज दिया, खैर 1% ज़्यादा नहीं है, लेकिन चलो रिपेयर पे डाल देते हैं और फिर वापस आएंगे हम अपना नया ट्रेलर खरीदने और गैराज से उठाने। उस ट्रेलर को हम कर देंगे प्राइवेट, बट इसमें एक प्रॉब्लम होगा कि मुझे पार्किंग नहीं आता है बड़े ट्रेलर्स के साथ, फिर दिक्कत पड़ जाएगी। ऐसा करेंगे ऑटो पार्किंग पे रख देंगे हम, मस्त अपना चलाएंगे बिना कुछ सोचे समझे। सर्विस पे गए हम, 1700 यूरो ले ले भाई, तो यूरो 1700 हो गया ये, हमें कुछ उठाना तो है नहीं यहाँ से। अब जाते हैं ट्रेलर मैनेजर पे, तो आई थिंक लेट मी चेक, एक कमेंट आया था रेफ्रिजरेटेड ट्रेलर का, मैंने शायद पिछले एपिसोड में बोला था। हर्ष जैन, ओके हर्ष ब्रो, मैंने सुन लिया आपकी। तो रेफ्रिजरेटेड डबल, देखो सबसे एक्सपेंसिव ट्रेलर है, 2,36,000 यूरो, इतने का तो ट्रक आता है ऐसा लगता है। ये सीरीज है एसटीडी, ट्रेलर है डबल टाइप डबल, बॉडी है रेफ्रिजरेटेड, ये लेंथ वेंथ का मैं क्या करूँ, टेयर वेट है 15,000 किलो भाई साहब, एक्सल काउंट 6, लिफ्टेबल एक्सेस 3, स्टीरेबल एक्सेस नहीं है, टोटल लेंथ है 22 मीटर। इसमें हम फ्रोजन और चिल्ड सामान लेके जा सकते हैं, इसमें चिल्ड सामान लेके जा सकते हैं। 13,000 किलो इसका टेयर वेट है, यानी आई थिंक इतना पुल कितना कर पाएगा, आई थिंक वही होगा ये, लेट मी चेक। टेयर वेट 8,000 किलो, 15 मतलब ये टन्स के हिसाब से अगर हम सोचें तो 7 टन 8 टन 10 टन 7 टन 7-8-10 टन इतना ही है, ठीक है। सबसे ज़्यादा तो यही लग रहा है, आई थिंक 14 टन यही हुआ ना, आई एम नॉट श्योर, कस्टमाइज करके देखते हैं, इसमें भी ऑप्शन है। चेन टाइप में देखते हैं क्या है भाई। ओए होए, वैसे ट्रेलर देखो कितना बड़ा है, अरे इसको कैसे चलाऊंगा भाई। अच्छा इसमें क्या है, ये सिंगल भी रख सकते हैं हम, जो कि हम नहीं रखेंगे, बहुत छोटा लग रहा है। एक ये है और एक है बी डबल, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है ये तो। अच्छा इसमें ना एक ट्रेलर लगा है नॉर्मल लग रहा है, और उसके बाद एक एक्स्ट्रा ट्रेलर पीछे ऐसा दिख रहा है, मतलब व्हील्स का डिफरेंस है इसमें। अगर आप देखोगे एक मिनट, व्हील्स इसमें कितने हैं, व्हील्स तो इसमें कम है ना, 3 इसमें। अच्छा इसमें बड़ा ट्रेलर आगे, नहीं छोटा ट्रेलर आगे, एक मिनट, लेंथ दोनों की सेम है। इसमें जो आगे का ट्रेलर और पीछे का ट्रेलर है सेम साइज है, इसमें आगे का ट्रेलर बड़ा है और पीछे का ट्रेलर छोटा है, लेकिन पीछे का ट्रेलर आई थिंक वो है रेफ्रिजरेशन, नहीं 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 इसमें भी सामान है। तो अभी हम बी डबल लेके जाएं, बी डबल लेके जाते हैं। अब बताना अगर आपको डबल चाहिए तो, मैंने अब मैं बी डबल ले रहा हूँ, ठीक है, ये रिफंड दे रहा है हमें, रिफंड काहे को दे रहा है, चलो ठीक है बी डबल, इसे हम ले नहीं सकते, ये उससे भी बड़ा ही है। इसमें व्यूज देखो कितने हैं, सबसे लंबा तो ये एचसीटी वाला, लेकिन ये कह रहे हैं फिनलैंड में हमें गिरा चाहिए, नहीं है हमारे पास, बी डबल पे वापस आ जाओ। रेफ्रिजरेटेड साइड डोर,
ये ले लेते हैं भाई, थोड़ा मॉडर्न सा लग रहा है। पीछे भी दरवाजे हैं, साइड में भी दरवाजे हैं, मॉडर्न वाला उठाते हैं भाई हम। ओहो एक्सेस वाला, ये मैंने एक्सेस अभी तक लिफ्ट करना सिखाया नहीं। एक्सेल्स जो है ना, एक्सेस नहीं, इसमें व्यूज ऊपर नीचे होते हैं। तो ये एक है बी डबल 2+2 एक्सेल्स, फिर आ गया 2+2 एक्सेल्स स्प्रेड, ठीक है, फिर आ गया 3+3 एक्सेल्स, फिर आ गया आपका बी डबल 3+3 एक्सेल्स टेरेबल। भाई साहब आई थिंक इसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, मतलब हमें इसे नीचे रखना है ऊपर रखना है वो हम आगे एक्सप्लोर करेंगे, पहले इतना ही उठा लेते हैं। ठीक है ये हो गया। नेक्स्ट पेंट जॉब। तो पेंट जॉब में जो मुझे चाहिए थी स्किन वो तो मुझे लग नहीं रहा इसमें है। सक्सेस ऑफ फायर अभी यही रख लेते हैं, मुझे तो यही अच्छी लग रही है, बाकी तो बियॉन्ड बॉर्डर तो लगा दिया हमने। तो ऐसे करते हैं हम सक्सेस ऑफ फायर, स्पर्स ऑफ फायर, सॉरी सक्सेस ऑफ फायर, ये अच्छा लग रहा है। यहाँ पे टर्बो किंग कूलर, लो भाई सबसे महंगा वाला लगाओ, खर्चा क्या यार। टर्बो किंग कूलर ये लगा हुआ था पहले, फिर एक ये और एक ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, ब्लैक इसके साथ जच रहा है, लेकिन ये महंगा है तो महंगा ही उठाएंगे यार। ठीक है यहाँ पे क्या है हमारे पास, एक्सक्लूसिव डबल लाइट्स लगा सकते हैं, लाइट्स कैसी हैं। अच्छा एक बार ट्रक लगा के देखते हैं अपने आगे। ओ भाई साहब कितनी लंबी ट्रेन है ये, ऑफ करो उसे। एक्सक्लूसिव डबल लगा दिया। यहाँ पे क्रोम बॉक्स लगा सकते हैं, फुल प्रोटेक्शन साइड स्कर्ट है, पेंटेड बॉक्स है और सिंपल साइड प्रोटेक्शन है। नहीं भाई क्रोम बॉक्स लगाओ क्योंकि महंगा है। रनर पे जाओ, रनर लगा देंगे हम। यहाँ पे मॉडिफाई करने का ऑप्शन आ रहा है फिर से, आपको पता ही है मॉडिफाई में मैं क्या क्या करता हूँ। मॉडिफाई में मैं एक ये लगाऊंगा लेकिन ये वाले कलर वाले, ठीक है, फिर मैं बीच में ये रेंजर पेंट लगा दूंगा। सब पे ये करना पड़ेगा, रात हो जाएगी लगता है ये करते करते, मुझे थक गया रे मैं ये कर करके। रनर लगाया क्या? अरे नहीं ये क्या है, अरे ये कुछ नया है, ये लगाने से क्या होता है? नहीं नहीं चाहिए हमें ये, वापस जाओ इस पे भाई, हमें लगाना है ये, ठीक है ये वाला लगाओ। और ये भी लग जाएगा, अरे कितना कुछ लग जाता है इसमें। टाइटन पेंट भी लगाना है, चलो ये भी मिस नहीं करना भाई, सब कुछ खर्चा करना है, पूरा खर्चा करेंगे हम। तो यहाँ पे हमने हाइपीरियन पेंट लगा दिया, हम पेंट करेंगे नहीं, ये भी लगा दिया फुल, मतलब फुल टू फुल। क्रोम बॉक्स भी लगा देते हैं, ये हमारा शायद बस की नहीं है कुछ, यहाँ पे है नहीं, नहीं भाई इसको नॉर्मल रखो, ठीक है ये चेंज करो सारे, हाइपीरियन पेंट करो, उसके बाद रेंजर पेंट करो, उसके बाद टाइटन पेंट करो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैंने क्या दबाया है। यहाँ पे काफ़ी चीज़ें हैं चैसी फ्रंट को संभालने के लिए, लेकिन हम पैरेट बॉक्स लगाएंगे क्योंकि महंगा है और रिफ्लेक्टिव है, ये सब इसमें हैं काफ़ी और ऑप्शंस, लेकिन इसमें क्रोम बॉक्स 2x2 है और पैलेट बॉक्स है, पैलेट बॉक्स एक है ना, ज़्यादा बेटर लग रहा है। सॉरी यहाँ पे और कुछ नहीं है तो यहाँ जाते हैं हाइपीरियन पेंट। बहुत टाइम कंज्यूमिंग है ये, बार बार एक ही चीज़ दबाना, देखो कितने सारे व्हील्स हैं इसके, स्टूपिड ट्रेलर है यार ये तो। इतने सारे व्हील्स, इतने सारे पता नहीं रेंजर पेंट पांट टाइटन पेंट, थक गया मैं। रनर लग रनर 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 दबा दबा के, लेकिन ऑब्वियसली ये तो ट्रक को हमारे मस्त बना देगा। अब यहाँ पे आती है मड गार्ड वाली चीज़ें हैं, रियर मड फ्लैप्स, मड गार्ड बोलने की आदत है ना। एक्सक्लूसिव लाइट्स, इससे क्या होता है, दिख नहीं रही लाइट तो मुझे, कोई बात नहीं गंदी क्वालिटी है यार। एक्स्ट्रा लॉन्ग लेट ओपी, ये कौन सी लैंग्वेज में पता नहीं, लॉन्ग IKW नहीं पता, एक्स्ट्रा लॉन्ग सही है। यहाँ पे विंड डिफ्लेक्टर, अरे भाई साहब विंड डिफ्लेक्टर बहुत ज़रूरत है विंड डिफ्लेक्टर की तो हमें। अच्छा उस वाले ट्रेलर में भी तो लगाना है ये, आगे वाले में दिखेगा नहीं, सब लगा दिया लेकिन, कर दो भाई कर दो सब कर दो। यहाँ पे भी लगाया, हर साइड के लिए करना पड़ेगा क्या? अच्छा नहीं इस साइड लगाया नहीं था क्या, मैंने लगा तो दिया था। कुछ तो गड़बड़ है दया, ये भी लगा दिया, कुछ मिस ना कर दूँ बस। अरे क्रोम बॉक्स कैसे रह गया भाई, क्रोम बॉक्स भी लग गया, अरे यहाँ पे भी रह गया हमारा क्रोम बॉक्स। लाइटें वाइटें तो सेट है ना सब देखा है, अरे लाइटें दिख नहीं रही, रात को दिखेंगी। ये भी लग गया, सब जगह लग चुका है, खर्चा काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, ट्रक लगा देते हैं आगे, ऐसा लगेगा हमारा ट्रक। नॉट बैड मैन नॉट बैड, अच्छा लग रहा है काफ़ी। चलो 3,30,000 कुछ यूरो, बाकी मुझे हिंदी में बोलना नहीं आता इसलिए मैं नहीं बोल पाया। 333 को 33,000 ना, 3,33,000 450 से 5 कम, तो
इसे कंफर्म कर देते हैं, बहुत ज़्यादा बोल लिया मैंने। और इसको हम परचेज करते हैं, खूब पैसा लग गया आज तो। एक मिनट, यहाँ क्यों नहीं जा रहा ये? वे डू यू वॉन्ट टू रिक्वायर्स गैरेज? अरे ये क्या हो गया, ये कह रहा है कि इसको स्टोर का करना है। इसके लिए हमें गैरेज चाहिए होगी डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, जर्मनी, नीदरलैंड्स में। ये क्या बात रहे, खरीद लिया लेकिन ये, अरे टाइम वेस्ट हो गया। ओ नो, ये सिर्फ डेनमार्क नॉर्वे, अच्छा डेनमार्क नॉर्वे स्वीडन फिनलैंड जर्मनी नेदरलैंड्स, यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं हम इसे। तो देखो डेनमार्क कहाँ गया हमारा, डेनमार्क कहाँ यार, यहीं पे था कहीं, डेनमार्क ऊपर था सॉरी। ये क्या है, डेनमार्क कहाँ है? आई हैव नो आइडिया। नॉर्वे कहाँ है? नॉर्वे ये रहा, नॉर्वे में एक होगी, स्वीडन में एक होगी, जर्मनी में हमारी कोई भी नहीं है। इसके आसपास पोलैंड में अलाउड है? पोलैंड में भी अलाउड नहीं। नॉर्वे, नॉर्वे से तो हम आए थे अभी, और नॉर्वे तो ऊपर ही है। नॉर्वे में तो जर्मनी एक हो गया, पोलैंड में अलाउड नहीं है, चेक रिपब्लिक में भी नहीं है, स्लोवाकिया में भी नहीं है, हंगरी में भी नहीं है, ऑस्ट्रिया में भी नहीं है, स्विट्जरलैंड, इटली, फ्रांस कहीं नहीं है क्या? जर्मनी कहाँ गया हमारा, जर्मनी तो ये रहा। नीदरलैंड्स कहाँ है? नीदरलैंड्स, मुझे क्या हो गया है, नीदरलैंड्स ये रहा। ओहो जर्मनी में खरीदनी पड़ेगी अब हमें, वापस जर्मनी जाना पड़ेगा, वरना ऐसे करते हैं नॉर्वे चल लेते हैं या स्वीडन चल लेते हैं। स्वीडन में रख देता हूँ और अब हम जाएंगे स्वीडन, ठीक है? स्वीडन से अब अपनी जर्नीज करते हैं। यहाँ तो कुछ खास है नहीं, ये जो भी जगह है ना इसका नाम जोंगकोपिंग, मेरा ट्रेलर जा रहा है जोंगकोपिंग, गया ट्रेलर। अब हमें अपने ट्रक को जोंगकोपिंग छोड़ना है, तो हम ट्रक मैनेजर पे जाएंगे, ठीक है? हमारा कौन सा ट्रक है, ये ना, नहीं कौन सा ट्रक चला रहा हूँ मैं अभी, वॉल्वो का, ये रहा। इसको रिलोकेट करते हैं और ये जाएगा जोंगकोपिंग, यहाँ पे कर दिया सेलेक्ट, ठीक है। अब ड्राइव इट पे जाते हैं हम, होपफुली हम जोंगकोपिंग जा चुके हैं, वहाँ से ट्रेलर को उठाएंगे हम जो भी है हमारा। ये तो सही है, आप कहीं भी जा सकते हैं, सब जगह एक एक गैराज ले लेंगे, अभी पैसा ही पैसा होगा। बहुत लेंथी वीडियो हो जाएगी ये तो ट्रेलर खरीदने में ही। तो आ गए हम, ग्रास है ये तो, एक मिनट, ग्रास क्यों आ गए हम? ओहो ड्राइवर को भी तो उठा के वहां रखना है, अब हम अपने आप को ग्रास से उठा के रिलोकेट करेंगे। अरे तो काफ़ी कंफ्यूजन है, जोंगकोपिंग जो भी है, जोंगकोपिंग कर दिया हमने अपने आप को रिलोकेट, अब अपने ट्रक को जाते फिर से रिलोकेट करना पड़ेगा, ये है ना। अरे कौन सा ट्रक था हमारा, ये ग्रास वाला, इसको रिलोकेट करेंगे जोंगकोपिंग। ये हमारी शक्ल कितने मस्त है, कर दिया। लैग क्यों हो रहा है अब, ओफ ट्रांजिशन मार रहा था। तो देख लो भाई मैंने कितनी मेहनत करी है इसके लिए, प्लीज़ लाइक ठोको यार, मैंने बोला नहीं इसका, ये थोड़ी कि आप लाइक नहीं करोगे मेरे वीडियो को, लाइक करो, मैं देख रहा हूँ जब से मैंने बोला 10 लाइक्स के बाद तो लाइक्स ही गिर गए हमारे, अब तो 10 के अंडर ही आते हैं। जोंगकोपिंग हो गया भाई डिस्कवर, ठीक है। गैराज को इसको भी अपग्रेड कर दो, हमें सब जगह पेट्रोल चाहिए होता है। वेर इज आर गैराज मैनेजर, इतनी देर हो गई गेम खेलते हुए मुझे अभी तक ये नहीं याद। अपग्रेड पे दबाया, कर दिया अपग्रेड, अरे लेके जाएगा, क्यों 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 हमेशा लेके जाता है, जब हमने इतनी सारी ग्रास दे ली इनको तो एनिमेशन बंद कर देनी चाहिए, हद है यार। ओके कर दिया एस्केप, होगी बड़ी ग्रास, बहुत बढ़िया, हम ही हैं अभी तक इसमें अकेले। अब हम ट्रेलर मैनेजर पे जाते हैं, ये उठाया, ये ना हमारा ट्रेलर, अरे बढ़िया मस्त लग रहा है, तो इसको प्राइवेट कर देते क्योंकि हम ही चलाएंगे, यूज़ कर दिया मैंने। डू यू रियली वॉन्ट टू टेक, ऑब्वियसली यार इतने पैसे खर्च के चलाऊंगा नहीं मैं, हद है, मतलब सेलेक्टेड हैज़ बीन अटैच, शुक्रिया यार तुमने अटैच कर दिया, थैंक यू मैन। अब देखते हैं, टू 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 टू, ओ शीश मैन, लाइट्स ऑन करके देखते हैं, पीछे लाइट कुछ खास नहीं है, समझ तो कुछ आ नहीं रहा लाइट्स में, एक मिनट, डबल कुछ नहीं है डिफरेंस, कोई डिफरेंस नहीं है लाइट में, बट ये तो मैं कह सकता हूँ कि लग तो काफ़ी ह्यूज रहा है ये ट्रक,
अब हम चूज करते हैं जॉब, कार्गो मार्केट पे जाएंगे क्योंकि अब हमारे पास ट्रेलर है, तो यहाँ से हाईएस्ट पेइंग, ओ माय गॉड, जॉब है 1200 किलोमीटर का, इम्पॉसिबल, अभी नहीं कर सकता मैं। एक गोट चीज़ लेके जाने को कह रहा है भाई, चीज़ तो हमें पसंद है, ओडेंस हम जा चुके हैं, लिंगो गो पोंग पिंग तो हम गए नहीं है, सॉरी फॉर दैट। सॉसेज सैलमन, भाई साहब सबसे हाईएस्ट पेइंग जॉब कौन सी, मतलब कम से कम 500 किलोमीटर तो चलेगा मुझे, मतलब ये तो सही लग रहा है मेरे हिसाब से, ठीक है। और क्या है चीज, मतलब ज्यादातर चीज डेयरी फ्रूट सामान ही लेके जा सकते हैं हम। 72, 1200, 250, 1265, 446, ये कह रहा है आर्टिकुलेटेड ट्रेलर, हमारा आर्टिकुलेटेड ही है शायद से। चीज 1500, 1200, 800, 900 नहीं लेके जा सकता मैं, ये एक 500 लेके जाने का है। प्लीज़ ऑफेंड मत हो जाना अगर इसमें ट्रेलर में कुछ ऐसा सामान आता है, सिर्फ एक गेम है, प्लीज़ ध्यान रखना इसका, ठीक है, ऑफेंड मत होना इसके लिए। तो ये हम 446 किलोमीटर लेके जाएंगे गोट चीज, ठीक है। 25 टन है, जोंगकोपिंग से ओडेंस, ये हमारा हैवी कार्गो के अंडर आता है, अर्जेंट डिलीवरी के अंडर आता है और आर्टिकुलेटेड ट्रेलर के अंडर आता है। 450 किलोमीटर की जर्नी है, 25 टन है, लेट्स गो। जाना कहाँ पे है? GNT पीछे जाना है। अरे इसको कैसे चलाएंगे, कैसे? काफी सब्र से चलाना पड़ेगा इसे। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, मुड़ना तो बहुत इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल हो चुका है। तो हमने गोड चीज़ पे GPS लगाया था, तो हम गोड चीज़ ही लेके जाएंगे। कहाँ पे है भाई हमारा ट्रेलर? सामान तो, अच्छा इसमें देखो ये डिसअपॉइंटमेंट एक जो होगी वो ये है कि हमें ये नहीं पता चल पाएगा कि हम लेके क्या जा रहे हैं। मतलब जैसे अगर हम कोई पहले पता चल जाता है हमें ये उठाना है, लेकिन जैसे बाकी में दिख जाता है ना कि बाहर ट्रेलर पे ये है वो है, क्योंकि हमारा कस्टम ट्रेलर है। पार्क करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, नहीं माना लगता है, स्किप करनी पड़ेगी। नहीं वैसे एक अटेम्प्ट मार लेते हैं, थोड़ा सा पता है मुझे ऑटोमेटिक पार्किंग ही लगानी है। ओके गाइस, हमसे नहीं हो पाएगा, एंटर दबा देते हैं। कार्गो लोड हो गया, अभी भी हो रहा है, अब हो गया। चलो भाई, कार्गो हैज बीन लोडेड, निकल लेते हैं अब। 7 घंटे की जर्नी लिखा रहा है, 7 घंटे हमें लगेंगे अगर हम जिस हिसाब से भी चल रहे हैं, 7 घंटे तक पहुंचेंगे। स्ट्रगल ज़्यादा है इस गेम में, अब स्ट्रगल थोड़ा आना शुरू हो गया है, तो डिफिकल्टी है ना वो दिख रही है मुझे अब। स्पीड का तो बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा ऐसा लग रहा है मुझे। तो चलो अब मैं शाउट आउट्स दे देता हूँ आप लोगों को, किसने क्या बोला था। ट्रेन गेमर ए का जो रिप्लाई था, F16 वाला वॉल्वो का, वो मैंने शायद पढ़ा नहीं, या नहीं पढ़ा अभी याद भी नहीं आ रहा मुझे। F16 हम देखते हैं, चलो करेंगे अभी, तो देखो इसका मजा लो, ये ट्रक काफी डिसेंट है, पैसे खर्च किए, काफी खर्च करा है। और फिर हमें नेक्स्ट कमेंट आया है, मीत जगानी भाई, वीडियो के स्टार्टिंग में ही न्यू ट्रेलर परचेस करो। आई थिंक हमने आज वही करा है, और हद से ज़्यादा टाइम लग गया खरीदने में, और ड्राइवर को चीज़ें असाइन करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, लेकिन ऑब्वियसली मैंने वही करा पहले।
ट्रक के लिए वॉल्वो ट्रक को दो, फिर बाद में स्कैनिया। इंस्टाग्राम आईडी क्या है? हाँ, तो अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो मेरी आईडी है @YoungMetalStacker। नीचे डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में, सामने फाइव टर्जेंट जा रहा है, हाँ तो डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगा जहाँ मेरा इंस्टाग्राम की आईडी खुलेगी, यंग मेटल स्टैकर, YoungMetalStacker, यंग मेटल स्टैकर। बहुत लंबा यूजर नेम है एक्चुअली, वो जो मेरा मेन यूट्यूब चैनल है उससे लिंकिंग है उसकी। लेकिन ऑब्वियसली आप अगर मुझसे बात करना चाहते हैं ना, यानी कि चैट करना चाहते हैं, तो यू आर ऑलवेज वेलकम। आप वहाँ पे आके अपने सजेशंस दे सकते हैं गेम से रिलेटेड, तो वहाँ मैं ओपन हूँ हमेशा। ये जेट की आवाज़ आ रही है शायद, देख क्यों नहीं रहा, कितनी खतरनाक आवाज़ है, जेट की आवाज़ थी, वो बहुत प्यारी आवाज़ थी। हाँ, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं, @वरुण कुमार रेसर, वरुण VARUNKUMARRACER। ये बहुत पहले एक ईमेल आईडी बनाई थी मैंने, वही मैं आज तक यूज़ करते आ रहा हूँ। आई थिंक मेरी फर्स्ट ईमेल आईडी यही थी, वरुण कुमार रेसर। ओके, नेक्स्ट वी हैव गोवर्धन पवर, मस्त, थैंक्स ब्रो। आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब करा होगा, और अगर बेल आइकन को क्लिक करा होगा तो आपको इन मस्त वीडियोस की नोटिफिकेशंस भी जाएंगी। देव रबाड़े ने कहा है, भाई आप फार्मिंग सिमुलेटर 2019 भी खेलो। यार वो पता नहीं कितने का, मैंने अभी तक खरीदी नहीं है वो गेम एक्चुअली। आई थिंक पता नहीं 1,500-2,000 की गेम थी वो एक टाइम पहले, तो प्राइस देख के मैंने कहा नहीं अभी तो लेने का फ़ायदा नहीं है। ये तो मैंने सेल से उठाई थी इसलिए सही लगा, ऑब्वियसली सेल आपको पता ही है, हम इंडियंस और सेल तो मतलब जन्मों जन्मों का नाता है। अभी मैंने एक्सेलरेशन जो है बहुत देर से छोड़ा हुआ है, फिर भी हमारे ट्रक की स्पीड स्लो नहीं होती, ये इस ट्रक की थोड़ी खासियत है। ओके, हम अनफॉर्चुनेटली थोड़ा ट्रैफिक में फंस चुके हैं। ये सामने वाले जो दो महर्षि हैं ये लोग निकलने को तैयार ही नहीं है, इनको लाइट हॉर्न किसी का फर्क नहीं पड़ता, और लो ब्रेक भी मार ली इसने, बच गए रे बच गए। चलो पिकअप मारे ट्रक तो हम निकलते हैं यहाँ से, वो देखो हमें ब्रेक मरवा के खुद भाग गया। पीछे लिखा है लेट ओपी एक्स्ट्रा लैंग, इनको कस्टमाइजेबल बनवाना चाहिए। हमारी स्पीड देखो 58 पे अटक गई। वो मैं एंगल चेंज करता हूँ उससे काफी स्केरी हो जाता है, देखो ऐसे स्विफ्टली घुमाना चाहिए। बहुत बढ़िया रोड है ये तो, सारे टायर्स अगर आप देखेंगे तो रनर के हैं, देखो ये देखो रनर के टायर्स हैं। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं शाउट आउट पर। कुणाल खरबिन ने एक वीडियो पे कमेंट करा था, व्हाट अ ड्रिफ्ट ब्रो। हाँ, उस वीडियो में मैंने
गलती से मतलब फुल स्पीड में चला रहा था इसलिए ड्रिफ्ट लग गई थी, लगाने की कोशिश करी थी मैंने एक्चुअली, लेकिन ऑब्वियसली ट्रेलर के साथ कभी ड्रिफ्टिंग तो मैंने सोचा नहीं था कि ये पॉसिबल हो भी पाएगा। नाइस जसपाल रंधावा, शाउट आउट टू यू। आई थिंक आप नए हैं, मैंने पहली बार आपका नाम पढ़ा है इस चैनल पे। नेक्स्ट तो मैं मेरे कमेंट दिखा रहा है मैं, चलो शाउट आउट टू आई वरुण कुमार। लेट्स सी हुज नेक्स्ट। ट्रेंड्स गेमर ए भाई, सारे ट्रेलर्स में रनर वाले टायर्स लगाना जबरदस्त लगेगा। हाँ भाई जबरदस्त ही लग रहा है, लगा भी दिया मैंने और जबरदस्त लग रहा है। नाइस जॉब ब्रो सोमा रबारी, थैंक्स अ लॉट गाइस। आप लोग सपोर्ट करते हैं मेरे चैनल को, आपका लाइक, मैंने जैसे पहले बोला है वीडियो में, सिर्फ आपका लाइक कमेंट सब्सक्राइब यही मेरे लिए सपोर्ट है एंड मोटिवेशन देता है मुझे अगले दिन और वीडियोस बनाने के लिए। अच्छा अगर एक्सट्रीम ब्रेक लगाते हो ना, अभी मैंने एक एक्सट्रीम ब्रेक लगाई तो ट्रक का बैलेंस खराब हो गया था। क्लियर है, क्लियर क्लियर क्लियर। मैंने एस्टिमेटेड टाइम निकलते हुए देखा नहीं था, 6 घंटे लिखा था। बस आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना क्या मैं स्पीड जल्दी मतलब जल्दी पहुंच जाऊंगा या मैं लेट हो जाऊंगा। मतलब लेट एज इन जब हमने ट्रिप शुरू की थी तो टाइम क्या था आपको याद है? अगर नहीं याद है तो जरा पीछे जाके देखो, जब हमने ट्रेलर को अटैच करा था तो ट्रिप में कितना टाइम दिख रहा था। मैं खुद भूल जाता हूँ कितने बार मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि एंड में कंपेयर करेंगे, एंड में कंपेयर करेंगे, लेकिन एंड में तो हम क्या, मैं भूल जाता हूँ। जिस तरीके से मैं ट्रक चलाता हूँ उससे डैमेज तो हो सकता है हमारे ट्रेलर को, लेकिन स्पीड, नीड फॉर स्पीड वाला काम करते हैं ये। राइट में फ्यूल का है सामान और ऑब्वियसली रेस्ट का, फ्यूल सामान नहीं, फ्यूल का स्टेशन और आराम करने का भी है। आराम तो गया भाई, अभी हम मस्त चलाएंगे ट्रक। कितना किलोमीटर रह गया? 200 किलोमीटर रह गया, बड़े जल्दी कवर कर दिया। देखो ये भाई ना वॉल्वो है ना मैन, वॉल्वो स्कैनिया का अच्छा है भाई, स्कैनिया को बना नहीं करूँगा मैं। मर्सिडीज का ट्रक तो फिर हमने लेटेस्ट वर्जन वाला ट्राई नहीं करा। अब हर वीडियो में अगर हम अलग ट्रक चलाएंगे तो मुश्किल है मेरे लिए भाई, क्योंकि एक ट्रक की आदत होती है, एक ट्रक का जो सिस्टम है वो याद ध्यान रहता है तो दूसरे में चले जाएंगे। अब जैसे मैंने लेफ्ट हैंड साइड से, उई क्या हो गया भाई, लेफ्ट हैंड, हाँ सॉरी, उई उई लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड ट्राई किया था तो कितना दिक्कत हुई थी मुझे, अगले दिन ही मुझे बदलना पड़ा। अभी मैं आपको थोड़ी देर में दिखाता हूँ अगर मौका मिले मुझे, अगर मैं जैसे फुल स्पीड में जा रहा हूँ और अचानक से ब्रेक लगा देता हूँ ना तो ट्रक कैसे इम्बैलेंस हो जाता है। नहीं हुआ नहीं हुआ, इसको क्या हो गया भाई सबको? ये हमारे आर्मर्ड जैसा जो ट्रक है काफी स्लो हो गया ये, आई थिंक कंफ्यूज हो गया होगा लेफ्ट जाना कि राइट जाना है। ट्रेल बर्ग, ओहो, फ्रेम्स तो भाई गिर गए, 30 पे आ गए फ्रेम्स। वो देखो ट्रेन जा रही है, ट्रेन हमारी बुलेट ट्रेन है क्या? वो बुलेट ट्रेन होती तो इतनी स्लो नहीं चल रही होती ना, ये भी पॉइंट है।
कैचअप ही नहीं कर पाएंगे हम आगे आगे, क्योंकि वो आ चुका है, टोल दिख रहा है मुझे दूर से। पता नहीं कितना टोल लगेगा इसका, बड़ा व्हीकल है इसका, तो ज़्यादा पैसे लेने चाहिए इनको। वो देखो ट्रेन जा रही है स्पीड में, तो कहाँ करें इसको? ये लेफ्ट वाला ओपन लग रहा है। अरे भाई, अरे 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 अरे, नहीं ये तो क्लोज्ड है। निकल जा भाई। अरे ट्रैफिक जाम कर दिया रे हमने। ये है फ्री वाला, फ्री नहीं, आई थिंक पैसे काट लेगा। लेट्स सी क्या कहता है ये। 170 यूरो पे करा है हमने इस टोल बूथ पर। लाइट्स थोड़ी सी ऑन कर लेते हैं। अरे कितना ब्यूटीफुल है। अरे वाह वाह वाह। अरे नहीं, नीचे नहीं जाना, नीचे नहीं जाना। शिप नहीं है भाई, तू बोट नहीं है, ट्रक है ट्रक। अरे कांटे देखो ट्रक के व्हील्स में। मुंबई का सीलिंग जैसा लग रहा है। पानी देखो, पानी का टेक्सचर बहुत प्यारा है। पानी का टेक्सचर, आप सोच रहे हो कि ये क्या बोल रहा है। ये सामने क्या होगा, ये कहाँ जा रहे हैं? आगे पानी दिख रहा है लेकिन टनल भी दिख रही है। टनल के बाद कहाँ जाएंगे? क्या अंडरग्राउंड टनल है क्या? अरे ये क्या हो रहा है? ओके सो आई हैव नो आइडिया क्या होने वाला है यहाँ अंदर। मुझे टनल के बाद सिर्फ पानी दिख रहा था। ये हम अचानक से कहाँ पर आ गए? चलो भाई तुम्हारी स्पीड में तो 100 के क्रॉस है। चलो चलो चलो। ओवरटेक नहीं करूंगा मैं, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं 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 करूंगा, नहीं करूंगा। पीछे देखो हमारा ट्रेलर कैसे ट्रेन की तरह हिलता हुआ दिख रहा है। चल ले यार, चलो यार, चलो चलो चलो। ये मिनी कूपर कर्ज वेस्ट, क्या लिखा था ये? आई हैव नो आइडिया। बड़ी स्मूथ जा रही है गाड़ी, ये लेन मर्ज ना हो जाए। अरे ये तो मर्ज हो जाएगी। थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके चलते हैं। आई लगे लगेगी लगेगी लगेगी, हिट होगी, हिट होगा, हिट होगा, हिट होगा। ओ बच गए, थोड़ा सा स्पेस है, निकालने दे भाई मुझे। तूने अगर राइट जाना है तो जा सकता, लेकिन मुझे जाने दे। ओ सुपर्ब, क्लोज बाय, नियर मिस था ये, नियर मिस। क्या आप लोग पबजी खेलते हैं? हाँ मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में अगर आप लोगों को जवाब चाहिए। मैं पहले बताता हूँ, मैं एक्चुअली पबजी खेलता था, अभी थोड़ा टाइम नहीं मिल रहा। वही शुरुआत में थोड़ा बम्प रहते हैं, इवन दो मैं कभी कभी गेम प्लेस देखता हूँ, बट मैंने खेलना तो आई थिंक काफ़ी दिन हो गए, मे बी महीना हो गया ऐसा लग रहा है। कभी कभी बीच में मन करता है, लेकिन फिर याद नया छोड़ देते हैं। कॉन्सेप्ट तो सेम है, कॉन्सेप्ट तो स्ट्रक काफ़ी सेम है, लेकिन ऑब्वियसली इसमें तो हमारी जर्नी एंडलेस की तरह ही है। ओके ओके ओके, इस वाली लेन में रहते हैं क्योंकि ये आई थिंक बिना रुके जा रहे हैं। ऑटो पास 234 यूरोस पे किया हमने। प्लीज नहीं ठोकना, नहीं ठोकना। अरे यार क्यों करते हो यार तुम, तो ऐसे इतनी बड़ी गाड़ी लेके जा रहे हो और ऐसे कर देते हो। चलोगे सर आप?
बड़े ब्रिज आ रहे हैं, ब्रिज 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 ब्रिज, राइट में विंड मिला रहे, बड़ा अच्छी जगह है, घूम रहे हैं यहाँ पे, इनको नेचर की बहुत परवाह है, विंड मिल्स भी लगे हुए हैं, पानी बड़ा साफ सुथरा है, मतलब मन कर एक बार बस डाइव कर दूं, लेकिन ट्रक के साथ डाइव नहीं कर सकता। कैसा लगा आप लोगों को ये ट्रेलर? क्या मैं ट्रेलर के साथ जॉब्स करूं या बिना उसके जॉब करूं? मेरे को लग रहा है जो नेक्स्ट जॉब करूंगा ना मैं, वो फ्रेट मार्केट से करूंगा, अपने ट्रेलर को छोड़ के। ट्रेलर को हम रिलोकेट कर लेंगे, उसकी तो कोई चिंता ही नहीं है, उसकी तो आप चिंता मत लो। अरे बाबा, इसको कैसे चलाना है, लाइट हाउस लग रहा है लेफ्ट में। अरे वाह, मज़ा आ गया, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। राइट में देखो ट्रेन जा रही है, अरे एक फ्यूल लेके जा रहा है, ये तो सारा फ्यूल लेके जा रहा है। ये ट्रेन रुकी हुई है क्या यहाँ पे? ओके, जो साइड में ट्रेन थी वो रुकी हुई है, वेट कर रही होगी किसी का। सिटी के अंदर का भी इनको चलाने का मौका देना चाहिए, यानी कि घर के बीच में से, बहुत मजा आ जाएगा। ऐसा कुछ अगर हो, अपडेट्स आते रहते हैं इस गेम के बीच बीच में, लेकिन ड्रामेटिकली डिफरेंट नहीं आया अभी तक। एग्जिट करना है क्या इस लेन को? लैग हो रहा है, राइट लेना है। ओके, ओडेंस डिस्कवर हो चुका है, इसका मतलब है ओडेंस मैंने अभी तक, हम जा ओडेंस ही रहे ना। एक्सीडेंट हो गया। अरे 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 अरे, अरे, अरे ये क्या हुआ? आगे से राइट, आगे से राइट, फिर एक और राइट, ठीक है इसको बंद कर देते हैं। ओडेंस 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 ओडेंस, चल ले भाई। ये लेफ्ट में देखो ट्रक वेट कर रहा था कि ये गाड़ी कब जाएगी, लेकिन हमने बीच में जंप मार दी। एक और राइट है शायद, करें क्या? हाँ राइट है। हेलो बॉस, बाय बाय बॉस। सीधा जाके हमने एक कहाँ उतारना ये देख लेते हैं, कंपनी कौन सी है? नॉर्थ फूड, नॉर्थ फूड में जाना है, नॉर्थ फूड। वो दिख रहा है मुझे, एंट्री कहाँ से है? वो वहीं से है। बताओ इतने स्पीड में जा रहे, दिख नहीं रहे इतना मेरा ट्रक आ रहा है। बॉस
हो गया। तो टाइम देख लो, 7 बज गए। 7 बजे हमने ट्रेलर को छोड़ दिया। थक गया मैं तो, ये तो काफी टायरिंग एपिसोड लग रहा है मुझे। हाँ ये देखो, 100 XP अभी भी बढ़े जा रहा है। 35, 162 लेवल पे आ चुके हैं। डिवाइन चैंपियन कंटिन्यू कर देते हैं। ड्राइवर्स को देख कर आते हैं क्या कर रहे हैं सारे। जो हमारे बॉब सर है, बॉब सर देखो लेके गए हैं हमारे ट्रेलर। अरे वाह, इन्होंने अटैच कर लिया अपने आप। नेगेटिव शुरुआत तो सब नेगेटिव से होती है, कोई बात नहीं। और सोलह मैम तो मतलब बहुत बढ़िया काम करती हैं। हमने इन्हें लॉन्ग डिस्टेंस का काम दिया हुआ है शायद इसलिए। ये सर क्या करें, इनके पास किसी के पास ट्रेलर नहीं है। तो देखते हैं, अगर जैसे दे भी सकते हैं ट्रेलर। चलो बाद में देखते हैं, अभी हमारे पास कितने ट्रेलर हैं। लेट्स सी, कंटेनर ट्रेलर जो है ना, हमने दिया हुआ है। रेफ्रिजरेटेड मूविंग फ्लोर जो है ना, किसी को असाइन कर देते हैं। हमारे ड्राइवर है कहाँ कहाँ, लिली लिली में डाल देते हैं। लिली में ट्रेलर मैनेजर को उठाते हैं। वेर इज आर ट्रेलर, ये है ना, करंट ट्रक नहीं है इसके पास। रिलोकेट कर देते हैं इसको ब्रसल्स। लिली लिली में कर देते हैं, कर दिया रिलोकेट। अब कोई ना कोई इसे उठा ही लेगा। अभी जैसे ये बॉब, कंटेनर बॉब ने उठा लिया था, तो ये कोई भी उठा लेगा, जिसका मन करेगा उठा लेगा या जिससे मैच करेगा। तो आज के लिए, एपिसोड के लिए सिर्फ इतना ही है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। उनको भी बोलें वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, आगे शेयर करते रहेंगे लोगों को, ठीक है। और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें नोटिफिकेशंस के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।